खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। बता दें कि रेलवे ने सड़क बंद कर दी है। आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश में तमाम नियम कायदे कानून उसी मुताबिक लागू किए गए हैं, जिसमें आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इससे अलग कटनी जिले के बड़बारा इलाके में रहने वाले तकरीबन 9 गांव के आदिवासी सरकारी नियम कायदों के शिकार हो रहे हैं। चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो हमको ब्रिज बना के दिया जाए, ठीक है, नहीं तो हम सब लोग यहाँ पे लाइन पे सो जाएंगे, धरना धरेंगे, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होती, बरसात में भी प्रॉब्लम होती। भाई हमको रास्ता चाहिए, रोड चाहिए यहाँ से, मैं इससे पहले रोड नहीं थी क्या? नहीं थी ना, ये था तो हम लोग निकल जाते थे कच्ची सड़क से। अब क्या है, अब यहाँ से आई नहीं है, अब देख रहे हो यहाँ से पूरी खुदाई हो गई है, कैसे निकलेंगे हम? कौन से गांव? तो हमारे गांव का आवागमन में अवरुद्ध हो चुका है, बड़वारा कोई एम्बुलेंस न कोई गाड़ी आ सकती, लोग बाग बीमार हो जाते, कोई साधन नहीं, 10 किलोमीटर मुख्य पहुंच मार्ग जाना पड़ता घूम के राउंड लगा के। अभी क्या मांग है आपकी? पहले रास्ता हो, इसके बाद फिर रेल निर्माण किया जाए। नहीं, मैं अभी सुबह सुबह वीडियो भी एक देखा है, जिसमें बच्चे लाइन क्रॉस करके और स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें मैं अभी DRM साहब को बिलासपुर चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उसमें कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला, जिससे से गांव के आदिवासी या बच्चों को असुविधा ना हो और उनका आवागमन बंद चालू हो जाए व्यवस्थित रूप से, जिससे मतलब लोग खुश हो जाए कि चलो ये होना चाहिए। ठीक, मेरे मामला आया है, मैंने पटवारी को भेजा भी मौका स्थल जांच के लिए, और तत्काल जो है वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।